अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन फ्लाई अवे, रिटन बाय राल्फ हेल्फर, और आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में इस लेसन का पार्ट टू। चलिए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ऑन द गैस हैज डिसिपेटेड इन अ मैटर ऑफ मोमेंट्स द फ्लाइज वुड अवेकन, कि जब चंद ही लम्हों में ये गैस जो है जब ये ज़ाया हो जाती या इस गैस का असर ख़त्म हो जाता तो क्या था कि वो मक्खियाँ जो हैं वो जाग उठती थीं। दी ट्रैंकुलाइज़र वॉज ऑफ कोर्स हार्मलेस टू पीपल, ये जो ट्रैंकुलाइज़र था या नींद की दवा थी बिला शुबा ये इंसानों के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल बेज़र थी। आ हैंड शेक लेटर, बाद में उसने अपने दोस्त से हाथ मिलाया। आई वॉज ऑफ जेंटली कैरिंग माई ब्रोड विद मी, और इसके बाद कहते हैं मैंने अपना जो ब्रोड है, जो सामान है, जो झोल है या झुंड कह लें, वो अपने साथ उठाया वो मक्खियों का और ये आ गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द शूट, शूटिंग वाली सुबह, ऑल द फ्लाइज हैचिड राइट ऑन शेड्यूल, तमाम मक्खियाँ जो हैं वो पैदा हो गई शेड्यूल के मुताबिक। I loaded up and headed for the studio location. मैंने उन्हें उठाया, इकट्ठा किया अपना सामान सारा और स्टूडियो की तरफ जो है चल पड़ा। When I arrived, जब मैं वहाँ पहुँचा, I was greeted by a crew of disbelievers with tongue in cheek attitudes. अब वो स्टूडियो जब पहुंचा है तो उसे किस तरह का अमला मिला है, कहता है आई वॉज़ ग्रीटेड, मेरा इस्तकबाल किया गया बाय अ क्रू, एक ऐसे अमले ने मेरा इस्तकबाल किया किस तरह के, ऑफ डिसबिलीवर्स, के जिन्हें पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इस तरह का कोई काम करेगा कि मक्खियां सोई फिरेंगी, क्रॉलिंग करेंगी और इशारे पे ही उड़ेंगी। तो विथ टंग इन चीक एटीट्यूड, यानी कि उस पर तंज करने वाले लोगों ने इस्तकबाल किया, लोग इस पर तंज कर रहे थे कि तुम ये काम नहीं कर सकोगे। बेट्स एंड जॉक्स वर बीन मेड इन एवरी डायरेक्शन, ऑल इन गुड नेचर्ड फन। बेट्स एंड जॉक्स, बेट कहते हैं शर्त को, जॉक्स कहते हैं मजाक को, लतीफ़े को। एवरी डायरेक्शन, हर सिमत कहता है क्या था कि शर्तें लगाई गई थी और मजाक उड़ाया गया था, सब अच्छी फितरत वाले, मतलब सब इसको बस एक तरह की तफरी समझ रहे थे इस काम को, तो सब लोग इस काम को तफरी समझा हुआ था सब ने। The director, a big friendly sort, came over to me with a suspicious look in his eyes. अब वो जो director है, हिदायतकार है, वो एक बहुत ही मतलब friendly sort, दोस्ताना किस्म का आदमी था। came over to me, वो मेरे पास आया, with a suspicious look in his eyes, और उसकी आँखों में ना एक मशकूक, मतलब मशकूक नज़र के साथ आया इसके पास। Is it true, क्या ये सच है, इससे पूछ रहे हैं, वर्ट क्या, आगे से इसने पूछा, दैट यू कैन पुट 5,000 फ्लाइज ऑन समथिंग एंड दे विल क्रॉल अराउंड, के तुम जो है 5,000 मक्खियां किसी चीज़ पर डालोगे और वो सिर्फ वहां पर क्रॉल करेंगी यानी कि रेंगेंगी, बट यू कैन गारंटी दे वॉन्ट फ्लाई राइट ऑफ, और तुम इस बात की गारंटी यानी कि जमानत भी दे सकते हो कि वो बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगी। इट इज़ ट्रू, ये सच है, आगे से उसने जवाब दिया। देन वेन आई टेल यू टू लेट दम गो, और कहते हैं जब मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए या उड़ने के लिए कहूँगा, दे विल ऑल फ्लाई इमिडिएटली, तो वो सब की सब फ़ौरन उड़ जाएंगी। गिव और टेक अ फ्यू, कहता है चंद एक या थोड़ी सी, अ फ्यू वर्ट, चंद एक क्या, फ्लाइज दैट वोंट फ्लाई अवे, कहता है वो मक्खियाँ वही जो नहीं उड़ेंगी। अब डायरेक्टर ने वो सारी बात उससे की है तो वो उसे क्या कह रहा है कि इफ़ यू पुल दिस ऑफ, कि अगर वाकई ही तुम ऐसा करोगे, यानी कि जो उसे कह रहा है आई विल डबल योर फी, तो मैं तुम्हारी फीस जो है वो दुगनी कर दूंगा। ही सेड इन डिसबिलीफ, और उसने बिल्कुल ये बात जो है बेयकीनी में कही, यानी कि डायरेक्टर को भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे कैसा पॉसिबल है कि इतनी 5,000 फ्लाइज हों और वो जस्ट क्रॉलिंग करें और जब वो कहे तो तभी उड़ें।
तो अब वो कह रहे हैं अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी फीस जो है वो दुगनी कर दूंगा। रेडी वन एवर यू आर, कहते हैं जब भी तुम तैयार हो तो बता दो। आई सेड, मैंने कहा, एंड हेड इट फॉर माई फ्लाई हाउस, और फिर मैं अपनी वो जो मक्खियों का घर है उसकी तरफ चल पड़ा। द कैमरा वॉज सेट, कैमरा जो है वो सेट कर दिया गया। द डेड थिंग टर्नड आउट टू बी अ स्पेशल इफेक्ट मॉन्स्टर बेबी दैट हैड सपोजेडली डाइड वाइल बैक एंड वॉज नाउ टू बी स्वार्मिंग विद फ्लाइज। अब वो डेड थिंग, वो जो मुर्दा नज़र आने वाली चीज़ क्या थी, टर्नड आउट टू बी अ स्पेशल इफेक्ट मॉन्स्टर बेबी, वो एक खौफनाक बदशकल सा कोई बेबी था, मतलब छोटा बच्चा था मुर्दा, और जिसको हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि वो कुछ अर्सा पहले जिसकी डेथ हो चुकी थी, और अब वो वापस वहाँ पे हमें नज़र आ रहा था, और जो कि अब उसके ऊपर स्वार्मिंग विद फ्लाइज, मक्खियों ने उसके ऊपर हजूम होना था, इनके मक्खियों ने उसके ऊपर क्रॉलिंग करनी थी। वो मुर्दा चीज़ क्या थी, एक मॉन्स्टर बेबी था जो उन्होंने बनाया हुआ था, उसके ऊपर अब वो चाह रहे थे कि मक्खियाँ क्रॉलिंग करें और उड़े नहीं। सम बॉडी वॉज टू वॉक बाय, किसी शख्स ने वहाँ से गुजरना था उस मुर्दा जिस्म के पास से जब वो गुजरना था किसी ने, एंड द फ्लाइज वुड देन हैव टू फ्लाई अवे, और फिर ही उन मक्खियों ने उड़ना था। एवरीथिंग वॉज रेडी, हर चीज़ बिल्कुल तैयार थी। द स्केप्टिकल असिस्टेंट डायरेक्टर येल्ड फॉर द फ्लाईमैन, स्केप्टिकल होता है कि शकी या एतबार ना करने वाला। असिस्टेंट जो था डायरेक्टर का, येल्ड होता है चीखना, वो चीखा किस चीज़ के लिए, फॉर द फ्लाईमैन, मक्खियों वाले आदमियों के लिए एकदम से चीखा। वन ऑफ माई ट्रेनर्स एंड आई कैरीड द फ्लाई हाउस ओवर एंड सेट इट नियर द कैमरा, कहता है मैं और एक मेरा तरबियत याफ्ता जो आदमी है उनमें से एक आदमी और मैं, मक्खियों का वो घर हमने उठाया और कैमरे के नज़दीक उसे सेट कर दिया, यानी कि ठीक तरह से रख दिया। द लाउड बजिंग ऑफ एन इनोमरस नंबर ऑफ फ्लाइज वॉज ऑब्वियस, कहता है कि एक बहुत ही ऊंची आवाज़ में और बहुत बड़ी तादाद की जो मक्खियां हैं उनकी ऊंची आवाज़ की भिनभिनाहट हमें साफ जाहिर हो रही थी। शीट्स ऑफ हैवी पेपर प्रिवेंटेड एनीवन फ्रॉम सीइंग इनटू द बॉक्स, शीट्स ऑफ हैवी पेपर, भारी तरह से सख्त कागज़ या भारी कागज़ के जो उसने शीट्स या तख्ते लगाए हुए थे उस बॉक्स में, वो हर शख्स को अंदर देखने से बाज रखे हुए थी, उसकी वजह से किसी को भी बॉक्स के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नाउ रेल्फ आई विल रोल द कैमरा वेन एवर यू से ओके, अब वो इसे कह रहा है ये जो फ्लाईमैन है मक्खियों वाले आदमी के, अब रेल्फ आई विल रोल द कैमरा, मैं कैमरा घुमाऊंगा जब भी तुम ओके कहोगे। आस्क्ड द डायरेक्टर, डायरेक्टर ने कहा श्योर यकीनन, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी रेडी, अब वो रेल्फ क्या कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ जो है तैयार होनी चाहिए। आई हैव ओनली गॉट 10,042 फ्लाइज जस्ट इनफ फॉर टू शॉट्स, कहते हैं मेरे पास सिर्फ 10,042 मक्खियां हैं जो कि हमारे दो शॉट्स यानी कि दो सीन के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि एक दफ़ा कभी ऐसा होता है कि जब सही शॉट नहीं लिया जाता, सीन गलत हो जाता है तो दोबारा से करना पड़ता है। जब भी रैल्फ उन्हें कह रहे हैं कि आप हर चीज़ तैयार हो कि सिर्फ मेरे पास 10,000 मक्खियाँ हैं जो टू शॉट्स के लिए इनफ होंगी। His look told me he was not sure whether I was putting him on or not, कहता है कि उसकी जो लुक है उसने जिस नज़र से मुझे देखा वो मुझे बता रही थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा वाकई क्या मैं ऐसा करूँगा या नहीं। 10,042 उसने रियली, कहता है 10,042 वाकई। ही मम्बल्ड एंड वॉक्ड ओवर टू द कैमरा, उसने अपने मुँह में बड़बड़ाया उसके अल्फाज, एंड वॉक्ड ओवर टू द कैमरा, और फिर वो कैमरे की तरफ चल कर गया। विद एवरीथिंग सेट, जब हर चीज़ उसने सेट करके रख ली ठीक तरह से रखने के बाद, आई ओपन्ड द स्मॉल डोर ऑफ द फ्लाई हाउस, कहते हैं कि फिर मैंने वो जो मक्खियों का घर है उसका छोटा सा दरवाज़ा खोला।
hiding the gas capsule in the palm of my hand and reaching inside. अब उसने हाइडिंग छुपा लिया है दी गैस कैप्सूल, वो जो बेहोशी की दवा गैस वाला कैप्सूल है, इन दी पाम ऑफ माई हैंड. पाम कहते हैं हथेली को, हाथ की हथेली में. एंड रीचिंग इन साइड, और अपना हाथ वो है उस फ्लाई हाउस के अंदर ले गया है. आई ब्रोक इट ओपन, कहते हैं मैंने तोड़कर उसे खोला, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा उसका था, सिगरेट की तरह उसका मुंह था. कहता है उसको तोड़ के खोला. क्लोज द डोर, उसके बाद दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया. एंड वेटेड फॉर 15 seconds, और कहता है 15 सेकेंड तक मैंने इंतज़ार किया. टू एवरी वंस अमेजमेंट द बजिंग स्टॉप्ड, कहता है वो जो मक्खियों की भिन भिनाहट जो स्टॉप्ड हो गई थी, रुक गई थी, उसकी वजह से हर शख्स को क्या हुई थी, अमेजमेंट यानी कि हैरानगी हुई थी. नेक्स्ट आई ओपन्ड द डोर एंड स्कोप्ड आउट 3 or 4 हैंडफुल्स ऑफ फ्लाइज. अब उसके बाद उसने क्या किया है, कहता है कि मैंने उसका ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला है जब वो मक्खियाँ बेहोश हो गई हैं. एंड स्कोप्ड आउट 3 or 4 हैंड फुल ऑफ फ्लाइज, के 3 से 4 दफ़ा जो है अपने हाथ भर के मक्खियाँ निकाली हैं. आई शुक देम आउट एज वन वुड वेन काउंटिंग अ पाउंड ऑफ पीनट्स, कहते हैं मैं उन्हें अपने हाथ में लेकर इस तरह से हिला रहा था बाहर निकाल कर, जैसे कोई 1 pound मूंगफली के दाने गिनता है ना, उस तरह से. पुटिंग द लिटिल स्लीपिंग फ्लाइज ऑल ओवर द बॉडी, कहते हैं मैंने वो जो छोटी मक्खियाँ थीं उनको डाल दिया, वो जो डेड बॉडी थी उस जिस्म पर रख दिया, उसके ऊपर डाल दिया. आई बिगिन टू ड्रामेटिकली काउंट द लास्ट फ्यू, और कहते हैं कि मैंने ड्रामाई अंदाज में या ड्रामाई तरीके से वो जो आखिरी चंद एक थी उनको काउंट करना शुरू कर दिया, कि जैसे वो काउंट कर करके अंदर से मक्खियों को निकाल रहे हैं. आप कैसे काउंट कर रहे हैं, 5020, 5021, 5022, के 5021, 5022. That makes it half, कहता है कि हाँ अब ये आधी हो गई हैं. 5022 इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने डायरेक्टर को कहा था कि मेरे पास 10,042 हैं, इस लिहाज से कहता है कि अब मेरे पास हाफ मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, हाफ हो गई हैं. I told everyone to hold still, कहता है मैंने हर एक को कहा कि वो बिल्कुल स्टिल रहे, साकित रहे. देन आई गेव द फ्लाइज अ वर्बल क्यू, ओके गाइज, जैक, बिल, मैरी, कम ऑन अप एंड एट दम देम. क्या कह रहा है कि सबको कहा कि चुप हो जाओ. गेव देम फ्लाई अ वर्बल क्यू, के मक्खियों को एक ज़ुबानी इशारा दिया. ओके गाइस, अब मक्खियों क्या कह रहे हैं, ये मक्खियों के नाम रखे हुए हैं, जैक, बिल, मैरी. कहते हैं हाँ ठीक है गाइस, जैक, बिल, मैरी, कम ऑन, आ जाओ अप एंड एट देम, इसके ऊपर आ जाओ. वो जो उसने डाल तो दिया अब उनके ऊपर, क्योंकि अब वो बेहोश हैं, इसने बेहोश मक्खियों को उस डेड बॉडी के ऊपर डाल दिया. अब क्या कह रहे हैं, स्लोली द फ्लाइज स्टार्टेड टू अवेकन, अब आहिस्ता आहिस्ता उन मक्खियों ने जागना शुरू कर दिया. देन मूव अराउंड, और फिर उसके गिर्द हरकत करने लगी, वो जो डेड बॉडी थी उसके गिर्द. इन अ फ्यू मोमेंट्स द होल मास ऑफ देम वाज स्वार्मिंग ऑल ओवर द थिंग, चंद ही लम्हों में द होल मास, ये जो पूरा का पूरा ढेर था वो उस चीज़ के ऊपर हरकत करने लगा, यानी कि उस पर क्रॉलिंग करने लगा. बट दे वर स्टिल टू ड्रॉजी टू फ्लाई, लेकिन अभी भी वो इतनी मदहोश थी या इतनी ख्वाब आलूदा थी कि वो उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उनको दवाई का असर था ना, तो अभी वो उड़ नहीं सकती थी. एज माई प्रोफेसर फ्रेंड हैड टोल्ड मी दे वुड बी, जैसा कि मेरे प्रोफेसर दोस्त ने मुझे बताया था कि वो उड़ेंगी, मतलब अपने टाइम के बाद, कि इतनी देर दवाई का असर उन पे रहेगा और इतनी देर के बाद वो उड़ेंगी. ओके रोल, येल्ड द डायरेक्टर, ठीक है रोल यानी कि कैमरा घुमाओ. येल्ड द डायरेक्टर, हिदायतकार जो है या डायरेक्टर जो है वो एकदम चीखा. द कैमरा रोल्ड ऑन द फ्लाई स्वार्म, अब कैमरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिंगती हुई मक्खियाँ हैं उसके ऊपर घूमा. एंड आई शूट अ लुक एट द क्रू, और कहते हैं मैंने उस अमले पर एक नज़र डाली. दे अपीयर टू बी इन शॉक, वो सब सदमे में नज़र आ रहे थे, मुझे मालूम हो रहे थे. देन हैविंग गटन इनफ फोटेज
द डायरेक्टर शाउटेड ओके। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फुटेज यानी कि वहाँ की उन्होंने बना ली वीडियो जब उन मक्खियों की, तो डायरेक्टर जो है वो एकदम से शाउट उसने किया, चीखा ओके ठीक है राल्फ नाउ, रालिफ अब, यानी कि वो उसने कहा कि अब इन मक्खियों को उड़ जाना चाहिए। तो कहते हैं माई ग्रेट मोमेंट, मेरा अजीम लम्हा, ओके ग्रुप, अब वो मक्खियों को क्या कह रहे हैं, ठीक है तुम ग्रुप बना लो। आई सेड टू द फ्लाइज, मैंने मक्खियों से कहा पेट के मेरे पालतू जानवरों, रेडी तैयार हो जाओ, ऑन द काउंट ऑफ थ्री, मेरे तीन गिनने तक कि जब तक मैं तीन गिनूँ तुम रेडी हो जाओ, ऑल ऑफ यू टेक ऑफ, तुम सबको अब उड़ना होगा। द क्रू, वो जो अमला था, एब्सोल्युटली बिला शुबा, बग आइड यानी कि बिल्कुल जो बग खटमल को कहते हैं, खटमल की आंखों की तरह, फॉरगिव द पन, कहते हैं ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने के लिए जो मायनी जो लफ्ज़ है मैं माजरत चाहता हूँ। वाज हिप्नोटाइज्ड, कहते हैं वो बिल्कुल ही महसूर हो गया था। वन एक, आई काउंटेड, मैंने गिना। दे लुक्ड फ्रॉम द फ्लाइज टू मी, कहते हैं उन्होंने मक्खियों को छोड़ के मेरी तरफ देखा सब ने। टू दो, थ्री तीन, आई येल्ड, मैं चीखा। क्लैपिंग माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों से ज़ोर से क्लैपिंग की, तालियां बजाईं। एंड स्टैम्पिंग माई फुट एट द सेम टाइम, और कहते हैं उसी लम्हे मैंने अपने पाँव को भी ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारते हुए मैं चीखा। फाइव थाउजेंड ट्वेंटी वन फ्लाइज फ्लू अप, 5021 मक्खियाँ जो हैं फ्लू अप, वो ऊपर उड़ीं। अराउंड एंड अराउंड, इर्द गिर्द और इर्द गिर्द, हर तरफ उड़ने लगीं। द कैमरा हम्ड, कैमरा जो है वो गुनगुनाया। अनटिल द डायरेक्टर, यहाँ तक कि जो डायरेक्टर था, राउजिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हिज अमेज्ड स्टेट सेट कट, के डायरेक्टर जो है वो अपनी हैरानी की जो हालत है उससे बेदार होते हुए उसने एकदम से कहा कट यानी के काटो। द एंटायर क्रू वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, पूरा अमला जो था वो एक लम्हे के लिए तो खामोश था। एंड देन दे ब्रस्ट इन टू अप्लॉज एंड डिलाइटेड लाफ्टर, उसके बाद क्या हुआ कि वो सब के सब तारीफ़ करने, तालियां बजाने और दाद देने के लिए कहकर लगाते हुए वो लोग एकदम से ब्रस्ट हो गए यानी कि फट पड़े खुशी से। यू डिड इट, तुमने ये कर दिखाया। यू रियली डिड इट, तुमने वाकई ही ये कर दिखाया। सेड द डायरेक्टर, डायरेक्टर ने कहा, स्लैपिंग मी हार्टली ऑन द बैक, खुशी खुशी मेरी पीठ पर थपकी देते हुए डायरेक्टर ने ये बात की। आई एम नॉट इवन गोइंग टू आस्क यू हाउ, मैं बिल्कुल भी तुमसे ये पूछने नहीं जा रहा हूँ कि तुमने ये कैसे किया। आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो, कहते मैं ये बिल्कुल जानना भी नहीं चाहता। बट लेकिन If I ever need a trained anything, अगर मुझे कभी भी कोई तरबियत याफ्ता चीज़ की ज़रूरत पड़ी, you are the man I will call, तो तुम ही वो आदमी हो जिसे मैं बुलाऊँगा। अब जब डायरेक्टर ने कहा है कि मुझे जब ज़रूरत पड़ी ट्रेंड आदमी की तो मैं तुम्हें ही बुलाऊँगा, तो आगे से इसने क्या जवाब दिया है। स्ट्रेट फेस्ड आई सेड, कहते हैं संजीदा चेहरे के साथ मैंने कहा, वेल एक्चुअली, दरअसल आई हैव रिसेंटली ट्रेंड 432 फ्लाइज टू फॉर्म अ कोरस लाइन ऑन माई आर्म, कहता है कि अभी हाल ही में मैंने तकरीबन 432 मक्खियों को अपने बाजू पर जो है कोरस लाइन मतलब इकट्ठे मिलकर गाना गाने की जो है वो तरकीब दी है या तरबियत दी है। कोरस, कोरस कहते हैं कि आपने देखा होगा जब कोई सिंगर गाना गा रहा होता है और उसके पीछे सिंगर के 4, 5 या 6 इकट्ठा ग्रुप खड़ा होता है लोगों का, और जब आगे सिंगर कोई वर्ड लाइन रिपीट करता है पीछे वाले फिर उसको सेम एक ही आवाज़ में रिपीट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो ये इकट्ठे मिलकर गाने में या इकट्ठे मिलकर कोई परफॉर्मेंस करने को कोरस कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने 432 मक्खियों को कोरस की जो शेप है उसमें उनको मैंने तरबियत की है, अपने बाजू पे खड़ा करके उनकी ट्रेनिंग की है कि वो इकट्ठी एक लाइन में खड़े होकर गाती हैं। एंड ऑन क्यू दे ऑल की का लेग एट द सेम टाइम, और कहते हैं कि मेरे एक इशारा करने पर वो सब की सब मक्खियां क्या करती हैं कि अपनी एक लात
मारती हैं, किक मारती हैं एक टांग से. द डायरेक्टर पोकर फेस्ड लुक स्ट्रेट एट मी. अब वो जो डायरेक्टर है, हिदायतकार है, बिल्कुल ही बेतासुर सा चेहरा लिए कहते सीधा उसने मेरी तरफ देखा. विच वन, कौन सी, ही आस्क्ड, उसने पूछा. विच वन वर्ट, तो ये कह रहे कौन सी क्या, कहते हैं विच लेग, क्योंकि उसने कहा है ना कि वो अपनी लेग को किक करती हैं. तो डायरेक्टर एक तो पहले बिल्कुल ही हैरान और बेतासुर सा हो गया, और अब वो उससे पूछ रहे हैं विच वन, कि वो अपनी कौन सी वाली टांग की किक करती हैं. तो वो ये उससे पूछ रहे हैं विच वन वर्ट, कहते हैं कौन सी क्या. तो डायरेक्टर कह रहे हैं विच लेग, कि वो अपनी कौन सी लात की किक मारती हैं. द लेफ्ट वन ऑफ कोर्स, कहते हैं अपनी बाई टांग, बिलाशुबा. We all broke up laughing and headed home. कहते हैं कि हम सब हंसते हुए वहाँ से फिर अलग हुए या जुदा हुए और अपने घरों की तरफ चल दिए. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन फ्लाई अवे, और यहाँ पर हमारे लेसन का एंड होता है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा.